दर्शन जी, सबसे पहले तो जपनाम। जपनाम अरुण जी, थैंक यू। तो बताइए कि लोगों ने तो बहुत ही एप्रिसिएट किया आश्रम को, तो आप बताइए कि ये जो जपनाम मंत्र है इसमें कितना पावर है कि लोगों को अपने वश में कर लेता है, एंड नाउ हम देख रहे हैं कि ऑडियंस भी बहुत ही एक्साइटेड है। जी अरुण जी, जैसे कि आप जानते हैं कि हर इंसान अभी जपनाम ही बोल रहा है, और इसका पावर आप देख सकते हैं कि लास्ट 40 डेज में 40 करोड़ लोगों ने इसको देख लिया है। तो अभी ये हमारा मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड शो हो चुका है, और उसका इतनी बेसब्री से इंतजार हो रहा है कि आपने जैसे कि आपने सोशल मीडिया पर ये देखा ही होगा कि किस तरह से लोग बस सिर्फ ये वेट कर रहे हैं कब दिवाली या 11th of November आए और वो लोग इस शो को देखें। तो आई थिंक वी आर ब्लेस्ड इन दैट कि हमें इस तरह का प्यार मिल रहा है, क्योंकि हमने इस प्रोजेक्ट के लिए अपना हार्ट एंड सोल डाला है, और जब आपको उसका इस तरह का रिस्पांस मिलता है तो आपको इस तरह की सेटिस्फेक्शन मिलती है। बिल्कुल दर्शन जी, जब आपने ये शूटिंग स्टार्ट की थी तब तो आपको लगा था कि इतने बड़े पैमाने पर ये हिट होने वाली है कि लोग अब इंतजार कर रहे हैं चैप्टर 2 का? अरुण जी, डेफिनेटली, बिकॉज मुझे याद है कि जब मैं पहली बार प्रकाश झा सर से मिला था, इवन जब मुझे पारुल मतलब पारुल जी ने तो बताया था और अपना कि ये शो बनने वाला है, मुझे श्रुति महाजन जी का कॉल आया था। उन्होंने कहा था कि एक्चुअली कि हम आपको कास्ट कर रहे हैं और मैं आपकी मीटिंग फिक्स करवा रही हूँ प्रकाश झा सर के साथ, और ये उजागर सिंह कॉप का रोल है और बॉबी देओल इसमें बाबा प्ले कर रहे हैं। उसी वक्त मुझे लगा था कि प्रकाश जी तो वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स हैं, वो एक लिविंग लेजेंड है। मुझे उसी वक्त लगा था कि ये शो धुआं उठा देगा, ये शो का रिस्पांस जो होने वाला है वो मतलब मैं अनबिलीवेबल होगा। और वही हुआ जब मैं प्रकाश जी से मिला और उन्होंने मुझे नैरेट किया, बताया इसके बारे में कि क्या स्टोरी है, कैसे कैसे अनफोल्ड होगा, और जब शूट स्टार्ट हुई, उनके साथ जब काम किया, उनका पैशन देखा, तो मुझे हमें पूरी उम्मीद थी। लेकिन ये कि हाँ, ये उम्मीद से 10 गुना हो गया, लेकिन ये जरूर था कि ये पता था कि ये जरूर टॉक ऑफ द टाउन होगा जी। और अब हम देख रहे हैं कि ये शो जो है पूरी तरह से धुआं धुआं हो गया है। हाँ, बिल्कुल धुआं उठा दिया हर तरफ। जी। एंड दर्शन जी, हमने देखा है आपकी ढेरों सारी फिल्में देखी है, अगर मैं मैरी कॉम्स की बात करूं या ढेरों सारी फिल्में देखी है, थिएटर में लोगों ने अप्रिसिएट किया, अब प्लेटफॉर्म थोड़ा चेंज हो गया है, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म एमएक्स पे आ रही है, कैसे देखते हैं आप? एक्चुअली एज एन एक्टर तो ये यू नो आई एम ब्लेस्ड कि मुझे पहले तो ये बोलना चाहूंगा कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इस तरह के सारे अच्छे काम करने का मौका मिला। मैरी कॉम, फिर मैंने एनएसटेन की थी, उसके बाद सरब जी, यू नो, तो जितनी मेरी फिल्में हुई उसमें जिस तरह का अप्रिसिएशन मिला, मुझे अवार्ड्स मिले, तो मैं आई थिंक ये है कि मैं जितनी मैंने अभी तक जो मैं थिएटर कर रहा था, जितनी मेहनत की थी, वो मैं मानता हूँ कि वो मेहनत शायद कहीं रंग लाई। और जब अभी वेब प्लेटफॉर्म आ गया, ये तो एक यू नो एक नया होराइजन ही खुल गया है सबके लिए, एक्टर्स के लिए तो है ही है, उसके अलावा डायरेक्टर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, राइटर्स के लिए, टेक्नीशियंस के लिए, सबके लिए। क्योंकि क्या है कि इसकी रीच बहुत बड़ी है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 40 करोड़ लोग ऑलरेडी देख चुके हैं हमारे शो को, तो ये कि ये सीधा लोगों के दिलों तक उतरता है, तो ये बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है सबके लिए। जी। अगर मैं बात करूं हमारे सोसाइटी में अभी भी इस तरह के जो ढोंगी बाबा हैं, मतलब आप भी मानते हैं कि उनके अंदर इतना पावर होता है कि एक पुलिस वाले को भी विवश होना पड़ा, आपके कैरेक्टर की बात करूं अगर मैं, जी, सो आपको भी विवश होना पड़ा कि पहले ड्रग्स की दुनिया में जाना है, देन वहां से इन्वेस्टिगेशन करना है आई थिंक सीजन 2 में, तो आप भी मानते हैं कि हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो लोगों को अपने वश में कर देते हैं जपनाम जपनाम बोल के? देखिए अरुण जी, जैसे हम जानते हैं कि जहाँ जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे हर इंसान बराबर नहीं होता। तो जहाँ हमारे यहाँ बहुत ही कमाल के जो बाबा हैं, जो एक इतने अच्छी स्पीचेस देते हैं, इतना अच्छा करते हैं, उसी तरह कुछ कॉनमैन भी हैं जो लोगों का मिसयूज करते हैं, जो अपनी पावर का मिसयूज करते हैं, जो उनको यू नो कहा जाता है कि जब विश्वास अंधविश्वास में बदल जाता है तभी आपके साथ विश्वासघात होता है। तो जब लोग अंधविश्वासी हो जाते हैं तब प्रॉब्लम होती है, और अगर वैसे अगर लोगों को नॉर्मल रहें, जब वो विश्वास कर रहे हैं, तो उनको समझ में आ जाता है कि आदमी जो मुझे सामने वाला बोल रहे हैं या ज्ञान दे रहे हैं वो कितना ठीक है कितना नहीं है। तो अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए, और वही हमारा प्रयास है कि कोशिश है कि इस शो के जरिए हम दिखाएं कि आप अंधविश्वासी बिल्कुल ना बने। और ये
जैसे कि आपको हमने डिस्क्लेमर में भी डाला था कि ये तो एक टोटली फिक्शनल शो है, इसका किसी उससे रिलेशन तो है नहीं, और जैसे कि कोई जो मिसयूज पावर का था वो हर तरीके से कर सकता है, तो हमें सावधान रहना चाहिए, मेन ये। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आपके अगर मैं कैरेक्टर की मैं बात करूं, सो चैप्टर टू में जितना मैंने ट्रेलर देखा है, सो अब आप जो है अंदर जा रहे हैं, उस दुनिया में जा रहे हैं, ड्रग्स की दुनिया में जा रहे हैं, थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे आप? एक्चुअली जैसे कि आपने फर्स्ट में देखा कि उजागर सिंह पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे कैसे वो आश्रम के रहस्य को उजागर करे, तो वो कोशिश अब इसमें जारी रहेगी। पार्ट टू में देखने को आपको मिलेगा कि कैसे उजागर अपना दिमाग लगाता है और कैसे वो यूटिलाइज करता है अपने यू नो स्मार्टनेस को, और वो कैसे ये जो मायावी जाल है आश्रम का उसको खोदता है और नए नए रहस्य बाहर निकालता है, तो ये उस पे ज्यादा जोर रहेगा सेकंड। जी जी अगर मैं आपकी पर्सनली बात करूं दर्शन जी, आप एक्टर को मैं देखता हूं शूटिंग में बहुत ही बिजी रहते हैं, अपने काम में ध्यान रखते हैं, सो ऐसे पर्सनली ऐसे किसी कोई ऐसा धर्म गुरु है, कोई ऐसे स्पिरिचुअलिटी है या कोई जिसमें आप बिलीव करते हैं दर्शन जी? अरुण जी मेरे लिए सबसे जरूरी है मेरा काम और वही मेरे लिए भगवान है। हाँ उसमें मेरे गुरु जरूर रहे हैं, उसमें मैं कहना चाहूंगा कि मैंने सबसे पहले एनके शर्मा जी मेरे गुरु रहे, जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, दिल्ली में एक्ट वन ग्रुप है, मैंने उनसे उनके साथ थिएटर किया। उसके अलावा फिर मैं जब मुंबई में आया तो राजेंद्र गुप्ता जी और नीना गुप्ता जी के साथ मैंने कई साल थिएटर किया, सहज ग्रुप में काफी प्लेस किए, उनके साथ काफी ट्रेवल किया, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और पिछले 10-12 साल से मैं नसरुद्दीन शाह सर से सीख रहा हूँ, उनके मोटली ग्रुप में हूँ, उनके साथ बहुत प्लेस कर चुका हूँ, तो ये गुरु मेरे जरूर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि वो जैसे कहा जाता है गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागू पाए, गुरु बलिहारी आपने गोविंद दियो बताए, तो वही है कि इन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया और जिसकी वजह से जो आप मुझे थोड़ा बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो मुझे बता रहे हैं कि आपको मेरा काम अच्छा लगता है, तो थैंक्स टू देम वो है। उसके अलावा मैंने कभी दूसरे गुरुओं या जो स्पिरिचुअल उसमें ज्यादा सोचा नहीं, क्योंकि मेरे लिए मेरा काम मेरे लिए भगवान। जी जी एंड दर्शन जी अगर मैं स्टार कास्ट की बात करूं, बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, बॉबी देओल से मैं स्टार्ट करूं, बॉबी देओल जी हैं, आप हैं, अनुप्रिया गोयनका जी हैं, और भी कई सारे लोग हैं, सो कैसा रहा एक्सपीरियंस इन सभी के साथ का शूटिंग का, क्योंकि मैंने सुना ठंड थी अयोध्या में थोड़ी बहुत, सो अरुण जी मतलब एक किस्से नहीं हजारों किस्से, इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा और वही आपको स्क्रीन पे देखने को मिला। जब आपकी केमिस्ट्री लोगों के साथ अच्छी होती है, लोग अच्छे होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं अपने काम को लेकर, तो आपको उनके साथ काम करने में मजा आता है और वो स्क्रीन पे भी दिखता है, क्योंकि आपका कम्फर्ट जोन इतना अच्छा हो जाता है। तो और जब हमारे इंडस्ट्री में कहा जाता है कि जब आप किसी बेहतरीन एक्टर के साथ काम करते हैं तो आपका जो सीन का ग्राफ है वो कहीं से कहीं उठ जाता है, क्योंकि दो बेस्ट एक्टर्स एक सेलुलॉइड मैजिक क्रिएट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, और वही टचवुड इसीलिए हमारे आश्रम के अंदर हर कैरेक्टर की तारीफ हुई है। आपने जैसे देखा होगा तो आपने देखा होगा कि छोटे से लेके बड़ा कैरेक्टर हर लगता है कि वो उसी के लिए बना है, ये प्रकाश झा सर का जादू है और हम सब एक्टर्स की मेहनत है जो, और हमारा एक दूसरे की बॉन्डिंग है साथ में, और जो कोई ये नहीं रहा कि मैं बड़ा हूँ कोई छोटा हूँ, और थैंक्स टू बॉबी भाई, उन्होंने कभी किसी को ये नहीं जताया, वो खुद हमारे पास आते थे और हमारे साथ बैठते थे, डिस्कस करते थे, और वो इज लाइक एल्डर ब्रदर टू मी, थैंक्स टू आश्रम मुझे एक बड़े भाई मिल गए उनके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। सो अयोध्या में शूट किया आप लोगों ने, चैप्टर वन हमने देखा है, टू, सो बताइए कि ठंड थी काफी, नॉर्थ इंडिया में काफी ठंड रहती है, सो कैसा रहा शूटिंग का एक्सपीरियंस ठंड में? अरुण जी खतरनाक था एक्चुअली मैंने वर्दी तो वो टाइट बॉडी फिट वाली बनवा ली थी, तो उसके अंदर थर्मल नहीं पहन सकता था मैं, तो जब अगर पहनता था तो दिखता था, तो वो मैं उसके बगैर शूट करता था, और इतनी खतरनाक ठंड होती थी पूछो मत, तो शॉर्ट से पहले जैकेट वैकेट पहन के ऐसे धूप में बैठे हैं या आग सेक रहे हैं या फिर मूंगफलियां खा रहे हैं, और एकदम से फिर उतार के फिर एक वो जप नाम करके शॉर्ट देना पड़ता था, उसके बाद फिर वापस से वो जैकेट के अंदर घुस जाओ। लेकिन एक ठंड का मजा ही अलग है, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ तो मैंने ऐसी ठंड देखी हुई है, तो ठंड का भी एक, क्योंकि हमें अपनी मुंबई में इतनी ठंड नहीं पड़ती है, तो अगर जब आप ऐसी ठंड हमें वो भी एंजॉय करते हैं, तो वो रहा सुबह काफी धुंध होती थी जब हम जा रहे होते थे, तो जो हम 15 मिनट में पहुंचने होते थे कहीं वो 45 मिनट लगते थे वहां पहुंचने में, तो आप समझ सकते हैं, तो ये उसका मजा अलग था और हमने एंजॉय किया उसको। जी चलिए दर्शन जी मैं आश्रम की बात करूं तो कुछ एक कंट्रोवर्सी भी हो रही है आश्रम को लेकर,
चैप्टर वन आया था तब भी बात हो रही थी, अब भी बात हो रही है कि रिलीज नहीं होने देंगे, ओटीटी प्लेटफॉर्म है तो क्या हुआ, हमारे यूथ को बिगाड़ रहा है, इस तरह से कैसे देखते हैं आप? एक्चुअली अरुण जी देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे एक फिक्शनल शो है, ये किसी बाबा पे या किसी अपना गॉडमैन पे वो नहीं है, आधारित नहीं है, ये तो सिर्फ एक कॉनमैन की कहानी है जो लोगों को अपनी पावर से मिसयूज करता है, और ये हमने डिस्क्लेमर में पहले भी डाला था, और ये ऐसी थोड़ी बहुत कॉन्ट्रोवर्सी पहले भी हुई थी शो, आप जैसे अभी आपने बोला सीजन वन के टाइम पे भी, और वही लोग थे जो वापस सोशल मीडिया पर लिख रहे थे कि हमने गलत सोचा है, सॉरी ये तो अलग ही एक स्टोरी है, अलग ही वो है, और मैं उम्मीद करता हूँ वही इसके पार्ट टू के बाद होगा। जी जी एंड मैंने सुना है कि बहुत बिजी शेड्यूल जा रहा है आपका, बैक टू बैक आप काम कर रहे हैं, दिनों जब हमारी बात हुई थी तो आप डबिंग में थे, तो कुछ बताना चाहेंगे और आने वाले दिनों में कौन कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं आपके? अरुण जी मैंने अभी दो फिल्में साइन की हैं एज ए लीड, और जो जिनकी शूट अभी दिसंबर में स्टार्ट हो रही है उसको प्रिपेयर कर रहा हूँ, और उसके अलावा अभी मेरा बहुत जल्दी तूफान फिल्म आने वाली है राकेश ओम प्रकाश मेहरा सर के साथ, मेरा सपना था उनके साथ काम करने का, जैसे प्रकाश झा सर के साथ था, कि मेरे दो टिक मार्क हो गए हैं मेरे बकेट लिस्ट में, और मेरे अभी मैं डबिंग कर रहा हूँ अपना द फैमिली मैन सीजन 2 जो बहुत जल्द आने वाला है। जी जी ये सब है अभी। आई विश कि आपके सारे प्रोजेक्ट हमें पसंद, ऑडियंस को पसंद आए। जाते जाते अपने दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे जिन्होंने बहुत ही अप्रिसिएट किया है आश्रम को? डेफिनेटली अरुण जी, मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ अपनी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से कि आपने हमारे आश्रम को इतना प्यार दिया और उसको इतनी बुलंदियों तक पहुँचा दिया, और आप अभी हमारे चैप्टर 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और आपका प्यार मुझे सोशल मीडिया पे मिलता रहता है, तो तहे दिल से बहुत बहुत थैंक यू, और मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली। अरुण जी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली दर्शन जी, एंड थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अरुण जी, थैंक यू। एंड जपना जपना।